यहाँ पे आप देख सकते हो ये फास्टिक का हमारा रिमोट है, इससे भैया सारा ऑपरेट कर रहे हैं इसको। ब्लैक क्रोम फिनिश अलॉय व्हील फ्रॉम एचआरएस, दिस इज अ ताइवान वेरिएबल। तो साउंड गाइस बहुत ही अमेजिंग है और आप देख सकते हो पूरी बूट हमारी इंटैक्ट है। दिस इज इन कार्बन फाइबर, आई थिंक दिस इज ऑल फाइबर वर्क। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और आज की वीडियो रहेगी कार मॉडिफिकेशन पे इन स्कोडा कुशाक। एंड अभी सम्यक भाई कैसी लगी मॉडिफिकेशन, हमने तो देख ली है पहले से ही। एक नंबर की मॉडिफिकेशन है। आज की वीडियो स्किप मत करना, इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे, आज जिन्होंने काम करा है वो भैया खुद हमारे साथ हैं। तो एक बार भैया से मिलो। तो गाइस ये गाड़ी है एंड हमारे साथ भैया भी जुड़ चुके हैं। तो भैया बेसिकली आलोक इंडिया से ही हैं, तो ही इज़ द एक्सपर्ट टुडे। आज हम अपना मुंह बंद रखेंगे एंड भैया को बताने देंगे क्या सही है क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। और गाइस जो आपने पहले नेक्सॉन की एम्बिएंट लाइट्स की और सोनेट की प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की वीडियो देखी थी वो काम भी भैया ने ही किया था। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, पूरी वीडियो देखना और उन वीडियोज़ के भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो वो भी ज़रूर से चेक कर लेना। तो अब सीधा चलते हैं भैया के पास और पूछते हैं क्या क्या काम हुआ है इसमें। स्टार्टिंग मॉडल है बिल्कुल ये इसका, जिसमें आपका सिर्फ ऑडियो आता है बेसिक और कोई भी अपग्रेड नहीं आता। वील स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड फर्स्ट। पहले हमने इसमें अपग्रेड करा है हेडलैम्प्स में, इट केम विद अ हैलोजन बल्ब, हाई बीम और लो बीम डुअल बीम है इसके अंदर, इट केम विद अ हैलोजन। तो हमने इसमें अपग्रेड करा है एलईडी इन लो बीम एंड एलईडी इन हाई बीम। दिस इज फ्रॉम एक्सलाइट ब्रांड, 65 वॉट्स, सबसे प्रीमियम ब्रांड है, कोरियन लाइटिंग ब्रांड है, विच कम्स इन हुंडई एंड किया एज वेल। विजन इज वेरी गुड, दिस इज 65 वॉट ईच बल्ब, नॉट द पेयर। ओके, तो अब हम साइड प्रोफाइल पे आते हैं। दिस केम विद अ स्टॉक टायर ऑफ 16 इंचेस विद स्टील रिम, सो वी हैव अपग्रेडेड दिस टू अ 225/50R17 टायर फ्रॉम योकोहामा, ब्लू अर्थ जीटी मॉडल एंड अ ब्लैक क्रोम फिनिश अलॉय व्हील फ्रॉम एचआरएस, दिस इज अ ताइवान ब्रांड, अ वेरी गुड क्वालिटी ब्रांड। Then we have upgraded it with a stainless steel side beading, rust free, this is pure steel. Then we have customized the chrome pillar plate for this with a VRS branding, which is Skoda Victory Rally Sport. Okay, nice gear alloys. बाकी भैया ये भी आपने लगाया ना, कार्बन फिनिश टूर गार्ड, काफी सही लग रहा है। एंड भाई गाड़ी भी देखोगे आप तो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, देखो गाड़ी का एकदम बोल्ड लुक है। एंड इस पेंट पे ये देखो बारिश के साथ तो बहुत ही सही आ रहा है, ये देखो इसकी बूंदें एंड लोगो और कुछ ऐसा सामने से इसका ग्रिल का लुक है। काफ़ी सटल चेंजेस है गाड़ी में, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही उभर के आ रही हैं इसमें और एक डिफरेंट टच दे रही हैं ऑल टुगेदर गाड़ी को। तो अब मैं आपको इंटीरियर चेक कराता हूँ, इंटीरियर में क्या क्या काम हुआ है। और म्यूज़िक का इसमें बहुत बढ़िया अपग्रेड हुआ है, तो वो देखने के लिए लास्ट तक जरूर। चलो अंदर से चलते हैं एंड आपको अब इसका ऑडियो दिखाते हैं पहले। सो दिस बेस मॉडल केम विद अ 7-inch स्टॉक स्टीरियो विद वायर्ड कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, इट वाज अ वेरी स्मॉल स्क्रीन विदाउट एनी रिवर्स कैमरा। सो वी हैव अपग्रेडेड द स्टीरियो विद अ अल्पाइन हैलो 11 inches। दिस स्टीरियो कम्स विद a wireless CarPlay option, wireless Android Auto. Then it has a HDMI input as well and output as well. So you can attach your Fire Stick. And the best part about this stereo is it comes with a DAC inbuilt in it. Digital audio converter is inbuilt in it. You can play high resolution wireless music and wired music as well. You can play all your lossless files like DSD and everything it will play. Okay. और इसमें भैया आप बता रहे थे LDAC support भी आता है। हाँ, this comes with LDAC support, that is digital audio converter. So you can play any high resolution file and it has a converter inbuilt in it. तो ये guys basically कोई normal आपका Android stereo नहीं है, this comes from Alpine and ये stereo वही लोग लगाते हैं जिनको sound का शौक है और जो sound clarity की थोड़ी सी भी समझ रखते हैं, तो बहुत ही high tech stereo है। और इसमें हम एक बार आपको एक साउंड भी प्ले करके दिखाते हैं और फिर आगे स्पीकर्स की बात करते हैं।
ऑडियो सुना, अब इसमें कुछ और भी फंक्शनैलिटीज हैं भैया, बताने इसमें और क्या बढ़िया सा है। सी इफ यू टॉक अबाउट ट्यूनिंग ऑप्शन, तो दिस इज द इक्वलाइजर, इट कम्स विद टाइम अलाइनमेंट, पैरामेट्रिक इक्वलाइजर सेटिंग, टाइम करेक्शन, बेस इंजन, मीडिया एक्सपेंडर, सो इट कम्स विद एवरी सेटिंग यू नीड फॉर अ गुड साउंड ट्यूनिंग। सो इवन इफ यू डोंट यूज अ साउंड प्रोसेसर, इट हैज इनफ सेटिंग्स फॉर इट। ओके, देन दिस इज शोइंग योर बैटरी वोल्टेज, करंट बैटरी वोल्टेज। Then there is a HDMI option, you can connect your Fire Stick as well. See, this is the Fire Stick connected. अच्छा, इसमें Amazon Fire Stick लग जाती है। और फिर आप Netflix, Prime, जो आपको चलाना है। कुछ भी चलो। Oh wow. Clarity of the screen is very good. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये Fire Stick का हमारा रिमोट है, इससे भैया सारा ऑपरेट कर रहे हैं इसको। कोई हम कार के बटन यूज नहीं कर रहे, कोई स्टेयरिंग के नहीं, ये डायरेक्ट Fire Stick के रिमोट से ही ऑपरेट हो रहा है। चेक करो गाइस, क्वालिटी देखो। तो इसमें भैया स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या मिलता है हमें? दिस इज फुल एचडी प्लेबैक। रेजोल्यूशन की बात करें, दिस इज 1280 बाय 720, बट प्लेबैक जो क्वालिटी है दैट इज फुल एचडी। फुल एचडी। जितने भी डिस्प्ले कार के आते हैं, क्वालिटी इसका सबसे प्रीमियम क्वालिटी डिस्प्ले है। एंड दिस इज 11 इंचेस। तो भैया इस स्टीरियो की प्राइसिंग क्या रहती है? इसमें दो मॉडल आते हैं, वन इज 9 इंचेस, वन इज 11 इंचेस। 9 इंचेस उन गाड़ियों में लगता है जिनके एसी वेंट साइड में है, क्योंकि 11 आप उसमें लगा नहीं सकते। 9 इंचेस समवेयर अराउंड आपको कॉस्ट करता है 80,000, एंड 11 इंचेस आपको कॉस्ट करता है 85,000। तो भैया ये स्टीरियो किन लोगों के लिए रिकमेंडेड है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं आपके नॉर्मल स्टीरियोज या फिर एंड्रॉइड स्टीरियोज भी 25,000 से 30,000 में अच्छे वेरियंट्स आ जाते हैं, तो ये किन लोगों के लिए बना है, ये किन को लगवाना चाहिए? प्रॉपर ऑडियो फाइल है, जिन्हें ऑडियो क्वालिटी चाहिए, जिसको अच्छा ऑडियो सुनना है, उसके लिए एंड्रॉइड स्टीरियोज नहीं होते हैं। अनटिल एंड अनलेस उसमें आप प्रोसेसर लगाएं या बहुत सारे अपग्रेड्स करें, क्योंकि इनपुट वीक होता है उनका बहुत। तो जिसको अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए, प्रॉपर SQ है, SPL सेटअप अच्छा लगाना है, तो उनके लिए ये स्टीरियो है। देन दिस इज अ डैश कैम ऑप्शन एज वेल, इफ यू कनेक्ट अ अल्पाइन डैश कैम विद इट, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग लाइव हियर। ओके, देन इट कम्स विद अ फ्रंट कैमरा ऑप्शन, रियर कैमरा ऑप्शन, यू कैन इंस्टॉल अ फ्रंट कैमरा एज वेल। तो ये गाड़ी में बाय डिफॉल्ट तो नहीं आते? तो नहीं, इसमें तो ये एक्स्ट्रा फिटिंग्स है। इसमें जो स्टीरियो बेसिक आता था, दैट डजंट इवन केम विद अ रियर कैमरा। ओके ओके, देयर वाज नो ऑप्शन टू ऐड अ रियर कैमरा इन इट। तो इसमें जो जो हमें कस्टमाइज करवाना है, मतलब ये अल्पाइन का ही लगवाना पड़ेगा ना, उनका एक इकोसिस्टम होगा, ऐसा कुछ है? आप और भी ब्रांड्स लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। यू कैन गो फॉर एंड्रॉइड स्टीरियो एज वेल, व्हिच कम्स विद कैनवास, तो उसमें आपके सारे फीचर्स करके चलते हैं। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ऑडियो, देन दिस इज अ प्रीमियम ऑप्शन। तो इसमें अब भैया स्पीकर्स की बात करते हैं एक बार, तो क्या ऑडियो सेटअप हुआ है इसमें? स्पीकर्स से स्टार्ट करते हैं। सी इट केम विद अ स्टॉक ऑडियो बेसिक, इसमें एक स्पीकर था, एक ट्यूटर लगा हुआ था स्टॉक पोजीशन पे। वी हैव अपग्रेडेड द होल सेटअप। इसमें हमने अभी मुराल का मैक्सिमो अल्ट्रा सीरीज का 3-way कॉम्पोनेंट लगा रखा है, जिसमें ट्यूटर अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे ही है, मिड बेस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे ही है, मिड रेंज के लिए वी हैव कस्टमाइज्ड अ पॉड। This is in carbon fiber dipping. This is all fiber work. We have customized this and it has a light surrounding as well. तो वो लाइट आपको रात में गाइस दिख जाएगी। और पॉड्स की फिनिशिंग एक बार आप देखो, बहुत ही प्रीमियम फिनिशिंग है। और इसमें भैया ये ग्रिल भी हमने पेंट करी हुई है, right? हाँ, the grill comes in a black color, so we have painted this to a silver chrome finish. तो ऐसे कुछ इसके पॉड्स लग रहे हैं। और अब मैं आपको मेन चीज पीछे जाके दिखाता हूँ, जो इसमें हमने एम्पलीफायर्स की फिटिंग करी है और जो वूफर की प्लेसमेंट है। गाइस आप देख के हैरान हो जाओगे कि गाड़ी में पूरा बूट इंटैक्ट है और तब भी इतनी बढ़िया साउंड आ रही है। तो गाइस आओ पीछे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। एंड काफी लोगों की यही दिक्कतें रहती हैं कि हम लोग गाड़ी में नहीं लगवा सकते, बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि यूजुअली फैमिली कार्स होती हैं, तो डिक्की में स्पेस इज अ वेरी मस्ट थिंग। तो अब आपको दिखाते हैं, वो सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व होने वाली हैं अब। तो गाइज ये देखो आप एक बार, चेक दिस आउट गाइज, पूरा कस्टम मेड है और वूफर का बता नहीं पाओगे वूफर कहाँ लगा हुआ है। ये देखो गाइज, दिस इज द वूफर। तो गाइज आपकी बिल्कुल भी स्टोरेज स्पेस कम नहीं हो रही है, एंड आप उतने ही बूट स्पेस के अंदर आप अच्छा सा एक वूफर लगवा सकते हैं, एंड आपकी सारी बेस वाली जो नीड्स हैं वो सारी पूरी होंगी। तो भैया इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। This system we designed according to the needs of the customers. आजकल कोई नहीं चाहता उनका boot space use हो,
सबको स्पेस चाहिए, बट ऑडियो भी सब चाहते हैं बहुत अच्छा हो. अंडर सीट आर अ गुड ऑप्शन, बट जो एक बेस डिक्की वूफर से आता है वो अंडर सीट नहीं दे पाता आपको. लो नोट्स वगैरह आपको बूट से ही मिल पाते हैं. तो इसमें हमने पूरा कस्टमाइज सेटअप बनाया है एम्प रैक के लिए, जिसमें हमने एक साउंड प्रोसेसर यूज़ करा है रॉकफुट पोस्टगेट का. दिस इज DSR-1 8 चैनल प्रोसेसर बाय रॉकफुट पोस्टगेट. देन वी हैव यूज्ड द रॉकफुट पोस्टगेट 5 चैनल एम्पलीफायर विच इज पावरिंग द फ्रंट स्पीकर, द रियर स्पीकर्स एंड द सबवूफर. दिस हैज़ अ 4 चैनल फॉर स्पीकर्स एंड 1 चैनल फॉर मोनो एम्प. नाउ दीज क्रॉस ओवर्स आर फॉर द फ्रंट स्पीकर, दैट इज अ मुराल 3-वे स्पीकर इन द फ्रंट. तो उसका क्रॉस ओवर भी हमने पीछे डिस्प्ले में लगाया. एंड देन दिस सबवूफर, इट्स अ वेरी स्लिम सबवूफर, द स्लिमेस्ट सबवूफर. द डायमीटर ऑफ दिस सबवूफर इज 3.5 इंचेस ओनली. And this is from JL Audio. The model number is 10TW3. It's a very famous woofer. It comes with a 400 watt RMS double coil woofer. And this is customized in the tire, in the stepney only. We have customized the box for it. You can easily remove the box and take out your stepney in case of punches and all. And we have damped the whole dicky, so there is no vibration. और भैया ने इसमें लाइट्स भी ऐड कर दी हैं, तो उससे तो ये बिल्कुल अलग ही लगता होगा रात को. आपको वो भी चेकआउट करवाएंगे. कस्टमाइज्ड लाइट्स विद द वूफर एंड वी हैव डिजाइन्ड दिस पैनल एज वेल. वी हैव चेंज्ड द ओरिजिनल पैनल. तो चेक करो गाइस. और भैया इसकी क्या कहानी है जो आपने छोटी छोटी गाड़ियां लगा रखी है? तो ये सिर्फ शो के लिए लगा है. सही लग रही है, थोड़ा लुक अच्छा है. तो साउंड गाइस बहुत ही अमेजिंग है. और आप देख सकते हो पूरी बूट हमारी इंटैक्ट है विद ऑल द सेटअप. तो ऐसे ही कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशंस भैया बहुत सालों से करते आ रहे हैं. और ये हमने उनकी गाड़ी दिखाई, हम आपको और भी कुछ गाड़ियां दिखाएंगे जहां ऐसे ही हमने कस्टमाइज सॉल्यूशंस करे हुए हैं. तो अगर जो भी चाहते हैं कि मेरे को एक अच्छा साउंड भी मिल जाए और मेरी बूट भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो आप भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अभी हम आपको इसका एक बार आउटपुट भी चेक करवाते हैं. तो मैं डिक्की खोल के अंदर से दिखाता हूँ ताकि जितनी रियलिस्टिक फील आ पाए उतनी आए. ये सुनो गाइस, अंदर चलते हैं और आपको इंटीरियर भी एक बार चेकआउट करवाते हैं इस गाड़ी का. तो बताओ भैया क्या क्या करवा दिया आपने इसमें? काफी कुछ लग रहा है. इसमें सबसे पहले हमने सीट कवर कस्टमाइज करवाया है. दिस इज़ फ्रॉम ऑटोफोम ब्रांड, इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड है फॉर सीट कवर्स. सो दिस इज़ अ प्योर आर्टिफिशियल नापा लेदर, इट हैज़ अ वेरी प्रीमियम फील टू इट एंड इट्स वेरी सॉफ्ट. इसमें हमने कस्टमाइज बनवाया है पूरा सिल्वर टोन विद अ हिंट ऑफ रेड. फिर इसमें हमने एक स्पेशल जो चीज़ कराई है, इसका मैट भी हमने सेम कलर में कस्टमाइज कराया फ्रॉम ऑटोफोम ओनली. नाउ दिस इज़ अ प्रॉपर 7D विच इज़ अ मोल्डेड मैट. ये पूरा मोल्डिंग है कार के हिसाब से. एंड दिस इज अगेन विद रेड स्टिचिंग एंड इट कम्स विद अ स्पाइक इन इट. इसके ऊपर इसमें ग्रास नहीं आता, स्पाइक आता है जिसकी लाइफ बहुत है, क्वालिटी बहुत प्रीमियम है. यू कैन सी द फिटमेंट इज विद. फिर हमने रेड के टच के लिए इसके साइड पैनल्स भी डिजाइन करे हैं विच अगेन इज सिल्वर विद रेड मटीरियल इन लेदर एंड इट हैज अ रेड स्टिचिंग विद इट. फिर अगर आप आर्मरेस्ट की तरफ भी देखें तो वी हैव कस्टमाइज दिस विद अ रेड स्टिचिंग एंड वी हैव made a pattern like this in armrest. Right. तो भाई एक बार पीछे भी दिखा देते हैं. Guys ये देखो. अगर आप पीछे भी fitment देखते हैं cover का, there is no wrinkle, no gapping. Fitment and finish आप देख सकते हैं, quality of the covers. And mats की fitting भी अगर आप एक बार देखते हैं तो this is edge to edge, आपको कहीं पे भी fitment में कोई issue नहीं मिलेगा. गाइज ये देखो एक बार फिटिंग कितनी ज़बरदस्त है, एकदम एज टू एज है. एंड ये भी बिल्कुल परफेक्टली फिट कर रहा है सब कुछ. एंड आप अगर स्टिचिंग की क्वालिटी भी देखोगे तो ये देखो, पास से दिखाता हूँ आपको एक बार, ये देखो क्या ज़बरदस्त क्वालिटी है. एंड कोई रिंकल नहीं है पूरी सीट पे. एंड ये भी देखो कितनी फोमी सीट है. इस पे बीच में भी फिफ्थ पर्सन बैठेगा तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा. एंड बाकी आपके नेक रेस्ट वगैरह पे भी हर जगह ये है. कस्टम हमने टच दिया है, वी हैव एडेड अ कस्टमाइज्ड रेड कलर नेक रेस्ट भी आपको एक बार दिखाते हैं. मेरे को तो बहुत सही स्पोर्टी लुक दे रहा है. दिस इज अ स्पोर्ट्स ब्रांड कॉल्ड स्पासो, जिसकी आपकी रेसिंग सीट से नॉल आती है. तो ये उसका हमने एक रेड कलर का नेक रेस्ट ऐड करा है टू मैच द इंटीरियर ऑफ द कार. काफी सही लग रहा है. तो गाइस देख रहे हो बाहर से गाड़ी एकदम डार्क, एंड अंदर जाते भैया ने एकदम बढ़िया फिनिश करवाया है लाइट शेड में.
तो एक अलग ही लुक आती है अंदर बैठ। तो ये थी गाइस कुछ कुशाक की वीडियो। अब लास्ट चीज हम भैया से बात कर लेते हैं कि प्राइसिंग क्या रही और इस पूरे ऑडियो सेटअप में क्या कॉस्टिंग आई, और स्पेशली जो हमने कस्टमाइजेशन करी है पीछे, वो किसी को अगर करानी हो तो उसकी क्या कॉस्टिंग रहती है। अगर हम ऑडियो सेटअप की बात करें विदाउट द हेड यूनिट, तो इसमें जितना भी ऑडियो सेटअप लगा है, द स्पीकर्स, द वायरिंग, डैम्पिंग एंड द ओवरऑल बूट सेटअप, जो वूफर एम्पलीफायर का सारा सेटअप है, इट इज समवेयर अराउंड 2 to 2.25 lakh रुपीज। डिपेंड्स ऑन द बजट ऑफ कस्टमर, इससे कम में भी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। और जो हमने कस्टमाइज वर्क करा है स्पेशली बूट में, जो आपने देखा पूरा एम्प ट्रैक और स्टेपनी का जो हमने वर्क करा है विद लाइटिंग एवरीथिंग, इट कम्स अराउंड 20 to 25 thousand रुपीज़ फॉर द कस्टमर। तो ये जो भैया हम वूफर इसमें लगाते हैं स्टेपनी में, ये ऑब्वियसली हमारा अलग वूफर होता है, कोई नॉर्मल वूफर हम नहीं लगा सकते। स्टेपनी के बने बनाए सब वूफर भी आते हैं, बट जिन्हें भूमि बेस पसंद है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जिन्हें क्लैरिटी चाहिए तो वो स्टेपनी के जो बने बनाए सब वूफर हैं वो बहुत क्लैरिटी में अच्छे नहीं होते। ये हमने जो वूफर यूज़ करा है, इट्स अ स्लिम वूफर बाय जीएल ऑडियो, 10 inches का वूफर है। तो हमें स्लिमेस्ट ऑप्शन दिया था ताकि स्टेपनी में हम आराम से लगा भी सकें। तो इट्स अ नॉर्मल सब वूफर ओनली शैलो साइज का, जिसको हमने कस्टमाइज करके स्टेपनी के अकॉर्डिंग बना के लगाया है। तो अगर भैया सिर्फ इस सबवूफर की बात करें तो उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाती है? सबवूफर इज समवेयर अराउंड 27 to 28 thousand रुपीज़ प्लस द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो ये गाइस आपने देख लिया ऐसे कुछ प्राइसिंग रहती है, और भैया ने काफ़ी एडवांस सामान लगाया है इसलिए ये प्राइसिंग जा रही है। बट अगर आप तो भैया अगर जैसे हमारे कोई यूज़र आता है उसको एक बेसिक अपग्रेड चाहिए, जो स्टॉक आता है हमारा उससे थोड़ा सा इन्हांसमेंट चाहिए, हाँ। तो आई वुड रिकमेंड कि पहले वो अपने हमेशा बजट के अकॉर्डिंग डैम्पिंग और स्पीकर्स अच्छे लगाए। अगर बजट है उसका बहुत बेसिक तो सिर्फ पहले डैम्पिंग और स्पीकर्स पे स्पेंड करे। अगर एम्पलीफायर का बजट है तो एक 4 channel गुड एम्पलीफायर, ब्रांडेड एम्पलीफायर विद 4 good स्पीकर्स एंड अ डैम्पिंग, इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 30 to 35 thousand। ठीक है, तो ये गाइज आपने सुन लिया होगा ऐसे कुछ प्राइसिंग रहने वाली है, और हर बजट में हर टाइप की वैरायटी भैया के पास आपको मिल जाएगी। तो गाइस आप भैया पे शॉप पे आके कभी भी भैया को फ़ोन कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन और शॉप का एड्रेस नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, एंड आप वहां से चेकआउट करके भैया से बात कर सकते हैं। एंड हमारे थ्रू अगर आप लोग जाते हैं तो भैया बेस्ट प्राइस है ना, तो भैया बेस्ट प्राइस आपको ज़रूर देंगे। तो हमारे थ्रू आइए आप चैनल के थ्रू एंड भैया की शॉप पर भैया से बात करिए, आपको और भी बहुत रिकमेंडेशंस मिलेंगी हर गाड़ी के आइडियाज़ के हिसाब से। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, एंड होप यू लाइक द मॉडिफिकेशन इन द कार। तो अगर आपको वीडियो हल्की सी भी अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या आपका खुद का मन हो करवाने का ऐसा कुछ भी, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वी आर प्रोवाइडिंग विद वेरी गुड इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टेंट ऑन योर चैनल, सो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइज सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड तो गाइज यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।